नमस्कार, अराइज न्यूज की ओर से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ अराइज न्यूज के माध्यम से देश के विभिन्न भागों से गणमान्य व्यक्तियों ने सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भेजी हैं। देश भर में आज 77वां स्वतंत्रता दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इसी क्रम में सीवान के DP पब्लिक स्कूल में भी स्वतंत्रता दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। स्कूल में झंडा तोलन के बाद कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर स्कूल के डायरेक्टर प्रकाश चंद जायसवाल व प्रधानाचार्य CK वर्मा ने सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। नमस्कार, मैं हूं रुपेश कुमार, राइट न्यूज में स्वागत है आपका। यहाँ पे हमने DBN पब्लिक स्कूल के पास पहुँचे हुए हैं। मेरे सामने यहाँ डायरेक्टर साहब मेरे सामने उपस्थित है, इनसे भी हम परिचय लेना चाहेंगे। सबसे पहले राइट न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं DP पब्लिक स्कूल डायरेक्टर प्रकाश चंद जायसवाल, आप आज हमारे विद्यालय में आए, हम लोगों के लिए गर्व की बात है। विद्यालय की जो विशेषताएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, उसके बारे में इस जिले के जनता के पास संदेश जाए, इसलिए आपका आगमन हमारे लिए काफ़ी लाभकारी है। दिवस का अवसर पे यहाँ पे अपने कितने सारे प्रखंडों के बच्चे आते हैं, उस विषय पर क्या करना चाहिए? यहाँ पर के आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र के अंचल हैं, वहाँ से बच्चे आते हैं इस कार्यक्रम को देखने के लिए। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं बच्चों को कि ये जो हमें आज़ादी मिली है, जो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम झंडा तोलन करते हैं, इसकी क्या हमारी उपयोगिता है। ये जो पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, यही कल के भविष्य है। तो ये बच्चे स्वतंत्रता दिवस का सही समझ सके, सही शब्दों में अर्थ समझ सके, ये आज़ादी के पीछे जो हमारे पूर्व के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, किन किन कठिनाइयों से गुजरकर इस देश की आज़ादी के लिए उन्होंने संघर्ष, तो हमारे भैया बहन जो कार्यक्रम करते हैं उनके संघर्ष की जो घटनाएं हैं उसको वर्णित करते हैं, उनकी कहानियों को रखते हैं, उनके चरित्र को सुनाते हैं, जिसके चलते जो आज के 21वीं सदी की पीढ़ी है, जो 19वीं शताब्दी में हमने आज़ादी ग्रहण की, उस समय के जो लोग भी जो संघर्ष किए, तो संघर्ष गाथा ही ये बच्चों के लिए प्रेरणा बनती है। और इस प्रेरणा के कारण बच्चों में वो देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति और हमारे जो स्वाभिमान है कि हम भारत के वासी हैं, हमारा भी स्वाभिमान जगे, इस दृष्टि से जो भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए हैं, सेनानी हैं, उनके जब हम वृत्तांत रखते हैं, इस सिवान जिले के लोग भी जो स्वतंत्रता सेनानी के रूप में काम किए हैं, वो अपने को बलिदान किए हैं, जब उनके बारे में इस जिले के बच्चे सुनते हैं, जानेंगे, तो उनको भी एक आत्मगौरव होगा कि हमारे ज़िले के लोगों ने भी इस देश की आज़ादी में प्रतिनिधित्व किया है। यह एक अवसर है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ये जो पूरे राष्ट्र में ये अमृत महोत्सव के रूप में हम जो इस कार्यक्रम को मना रहे हैं, घर घर तिरंगा कार्यक्रम जो चल रहा है, तो ये जो भी हमारे विद्यालय हैं, जो CSE के अंतर्गत विद्यालय हैं, वो विद्यालय के कार्यक्रम में है कि यहाँ बच्चा वो तिरंगा अर्थ समझे, तिरंगा क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से ये विद्यालय की कार्यक्रम की कल रचना बनी है, जिससे यह संदेश संपूर्ण समाज को जाएगा, तभी जाकर यह राष्ट्र उन्नत होगा, हमारे बच्चे भी कल के भावी भविष्य है, ये भविष्य में अच्छे बने, इसलिए इस तरह के कार्यक्रमों की रचना विद्यालयों में की जाती है। सबसे पहले सर, इलाही में आपका स्वागत है। थैंक यू। आप यू हैव गिवन मी चांस टू स्पीक लिटिल बिट, ऑफ कोर्स आई विल गिव यू थैंक्स फॉर दैट। अपने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने सारे बालक बालिकाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? Yes, actually India got independence on that day, and we are celebrating today 77th Independence Day. So we wish all the citizen of India to be a proud of citizen of India, and we wish all the students of our school, and not only our school, all student of all my country, to be a successful person, and each and every student must serve nation as a soldier, as a teacher, and as a doctor or as a lawyer. If it means if every people serving nation according to their occupation,
So if anyone working as a teacher, of course he is also serving to the nation. If someone working as a soldier, so he is also serving our nation. So we wish all the students to be a good citizen of India on that day. Thank you.